भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ भाई। इस टाइम आ रहा हूँ पाई पाई बाणा, नहीं इकट्ठा नहीं बोला कर रहा है वो पाई बाणे, मतलब पाई मारा हूँ भाई बाणा, कोई पाया नहीं मैंने तो पाई मैं पागे गणे सारे एक या शिवानी पागे आड़ा है। मैं बोली सर मैं भी गिलना सर्वे करूँगी। इसने सोनीपत गए थे ना पा? यस सर सोनीपत। सोनीपत में भाई बहुत मेहनत करी छोरी ने, अरे बड़ी हिम्मताली छोरी है नहीं बाड़ा। एक भाई भी पा गया बतला ले। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई इलेक्शन आ गया किसकी सरकार आनी चाहिए? भाई ऊँ तो मोदी की आनी चाहिए, फिर कहीं दिक्कत सी आ रही है। क्या दिक्कत आ रही बता दे। पूरे जातिवाद है वोटों में ज्यादातर हरियाणा में। अच्छा जातिवाद हुए? हाँ जातिवाद है वोट। फिर अब क्या काम करा करा पड्डो में तो पड़ा है। इब पाई का अगर हम पूछा कितनी वोट हाड़ है? पूरे 18,000 करीब वोट है। पोल कितनी को जाए? पोल हो जाए 15-16 15-16 हो जाए। तो फिर यार तो कौन से हल्के मावा रही हो? पुंडरी हल्का मावा है। एमपी का जो हल्का है? एमपी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हल्के में तो पिछली बार हार तो कौन जीता था? राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी एक बार के लगे राजकुमार सैनी का खत्म हो खाता उसका तो खाता ही खत्म है, मतलब बीजेपी के कारण। बीजेपी तो वोट दे जाए सैनी दे फिर कौन दे वोट। अच्छा हाँ ये चक्कर है। ओके ठीक है मित्र मिलते हैं। आपा बतला लें इस छोरी ने भाई ला कर दे। लो जी और लो जी और हिम्मत करके ओडे को जा अर तुम्हें। ठीक है राम राम भाई। यो पिछली बार आपकी एक शिकायत थी कि मैं हरियाणवी ना बोलती, पर अब की बार कोशिश करूँगी कि हरियाणवी में ही बात करूँ ज़्यादातर। चलो जी आज आ गए हैं पाई और शुरू करें आज का सर्वे, देखें भी कौन से कौन है। उरा हमारा दो चार भाई बैठे हैं इनते बात कर लें। राम राम भाई। राम राम। राम। भाई किसकी सरकार आवेगी? किसे की आजो? किसे की आजो मतलब कुछ तो होगा, मतलब आपका कोई पर्सनल? कांग्रेस आओगी। अच्छा जी कांग्रेस क्यों? क्यों गे बस आ जाएगी जिस तरह होगी। अच्छा जी बात है। अरे आपकी भाई सब बस कांग्रेस आओ। कांग्रेस चलो फिर कांग्रेस के कोई पांच काम गिना दो भी। के गिना वा बता दो भाई कुछ तो होगा जरूर। अरे रहा कैसे इस तब चढ़ाइए ओड़े भी चले जाएंगे। ठीक है भाई इनने तो बता दिया कांग्रेस आवेगी, देखें भी आगे चलें। थोड़े दो चार ताऊ से बैठे हैं पूछे उनते उनकी राय के कुछ है आज। राम राम अंकल जी। राम राम अंकल जी पाई में किसकी सरकार आवेगी? पूरा तो दन्नो राया तो ऐद पाओगा सोता। कौन? मोदी के भी वोट बहुत हैं इसके भी। अच्छा आपकी तरफ से जी? यहाँ भाई जी हूँ तो इसकी आएगी कांग्रेस की। कांग्रेस की? कांग्रेस की क्यों है? कांग्रेस की क्यों? इस तक बरखिलाफ है दुनिया बीजेपी के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? हैं लोग काम नहीं कर रहे। क्या काम नहीं कर रहा है? लोग फलानी चीज नहीं दी टिकड़ी नहीं दी जो वादे करके वो पूरे नहीं हुए। अच्छा कांग्रेस ने कौन कौन से काम करे जाए वास्ते आप कांग्रेस ने लेना चाहो हो? हम को नहीं जाए हम तो देने वाई देंगे अपना मन की बात सुना मुंडी। हाँ जी बताओ। मैं मायावती का वर्क करूँ। अच्छा जी। हाँ इंटा दुनिया खड़ी जो। ठीक है जी बढ़िया। हाँ ठीक है ताऊ जी। नमस्ते ताऊ जी। बताओ जी न्यू बताओ पाई में किसकी सरकार आवेगी? हाँ जी आज जात कांग्रेस रहती है। कांग्रेस ठीक है जी। और आंटी राम राम किसकी सरकार आवेगी? पता नहीं मुझे किसकी आएगी। आप बता दो फिर आप किसकी चाहो? हम तो किसी की भी नहीं जाते। क्यों? किसी ने क्या फ़ायदा करा है? सारी सरकार ऐसी है, पहले तो कह देंगे ठीक है ये काम करेंगे ये करेंगे, जब सरकार आ जाती है तो कोई काम किसी का नहीं होता। या तो बात सही है। मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, हमने कई मतलब मांगे रखी हुई थी उसके पीछे हमने हड़ताल भी करी है। अच्छा। तो उन्होंने आश्वासन तो दे दिया भी हाँ आपके ये काम करेंगे। अच्छा। पिछले साल भी उन्होंने यही कुछ करा था कि हम आपकी ये मांगे पूरी करेंगे, मतलब साल होने के बाद भी अभी तक हमारी कोई मांग पूरी उन्होंने करी नहीं। क्या क्या मांग है आंटी आपकी? मांग तो उसमें मांग पत्र में लिख के दे रखी है। ठीक चलो थोड़ी सी बता दो ताकि सरकार ने पता तो लगे कि सैलरी तो हमारी जो ठीक है वो तो उन्होंने कर दी, पर वो ये तनख्वाह टाइम पे नहीं देते हैं। तनख्वाह टाइम पर नहीं आ रही? हाँ मतलब मकानों का किराया है जो कुछ भी है, मतलब समय में हमारे को कुछ नहीं मिलता। अच्छा जी। हाँ और वही आप तो उन्होंने आश्वासन दिया भी हाँ आपका हो जाएगा, हमने मजदूर का दर्जा मांगा था अभी हमारे को मजदूर का दर्जा दिया जाए। ठीक है जी। तो आश्वासन दिया उन्होंने भी हाँ तुम्हारी ये मांगे हैं पूरी कर देंगे, बाकी जब पूरी होंगी तब की बात है।
ठीक है जी, धन्यवाद जी। चलो भैया, जुकर या आंटी थी, इसने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर है और इसने कि मैं कुछ मांगे हैं इनकी, वहाँ पूरी कोने हो रही। इब देखें अभी कड़े उरन है, कुछ दो चार भाई बैठे हैं अपने, इनसे बात करके देखें कि रहेगा इनका कौन सी सरकार। राम राम अंकल जी, कौन सी सरकार आनी चाहिए अंकल जी? बीजेपी। बीजेपी आपकी तरफ से जी? मैं सारे एक को होगा तो। अच्छा, एक को है, चलो धन्यवाद जी। लोग दूर दूर बैठे हैं, गर्मी घनी है इस करके। देखा और किसी दुकान में जाके ना, वो तो घनी धूप हो रही है, पर ठीक है, काम जरूरी है। देख उरे एक दुकान है चावड़े अंकल की, उससे ही पूछ लें। राम राम अंकल जी। राम राम बेटे। किसकी सरकार आवेगी? सरकार नरेंद्र मोदी की आवेगी बेटी। नरेंद्र मोदी की? पूरे संतुष्ट हो जी? जमा संतुष्ट है। ये बात है नरेंद्र मोदी के नाम है इसका, राहुल गांधी। हाँ जी। अरे उरा मारा दीपेंद्र हुड्डा। हाँ। राजस्थान में कहावत ही वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं। ठीक है जी। युरा हुड्डा से कोई बैर नहीं, और राहुल गांधी तेरी खैर नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। बड़ी अंकल जी। लो एक और अंकल बैठे हैं, इनसे बात कर लें। राम राम। राम राम। किसकी सरकार आवेगी? सरकार तो जी हम और मोदी की लेंगे। मोदी की? ओके। क्या क्या काम कर रहे हैं मोदी ने फिर? काम तो काम गिना दो है? काम गिना दो मोदी। काम तो उल्टी सारे करके हैं, जितने काम हो करा नहीं। पर सरकार है यहाँ पर मोदी की है। ठीक है, धन्यवाद अंकल जी। गांव के गांव और सारा देश संतुष्ट नहीं है, हम देश पर संतुष्ट हैं। देश पे संतुष्ट में काम कर रहे नहीं, इससे बढ़िया नेता आज लग को किसी ने कर रहे नहीं। बहुत बढ़िया अंकल जी, देश के बारे में सोचो तो। के बारे में सोचते पे काम मतलब ओंदा रहेगा। बढ़िया अंकल जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे सोच है। हाँ भाई, इस भाई तो पूछ ले। राम राम भाई। राम राम भाई। किसकी सरकार आवेगी? चौटाला की। चौटाला की? क्यों भाई? क्योंकि काम करे बढ़िया। काम करे, चल चटाल लगे पर काम गिना दे भी। ये भी नहीं आओ भाई, इतना ज्यादा में इतना जानकारी है। आ जाओ भाई साहब। ल भाई गिना दे फिर काम, चटाल लगे। बीजेपी आवेगी भाई? ये तो न्यू कब है बीजेपी आवेगी, तू बता। बीजेपी आओगी, इसने कह दिया जी। शोकल हूं मैं तो न्यू के, अपनी भी तो कुछ होनी चाहिए। नहीं मेरे शोकल हूं चढ़ाई वोड़े में। अच्छा हां, चलो फिर बढ़िया भाई। कोई नल्लो कब है, कोई बीजेपी कब है, एक जवान कौन है किसी की हो रहा। फिर भी देखते हैं आगे चल। क्रॉस करेंगे तो लो जी। लो सर जी। हो गया? ओके। तो जी इस गांव की बहुत सारी विशेषताएं मेरे को यहाँ पता चली। अभी वो विशेषता तो मैं आपको मैं ही बता सकता हूँ, कोई और तो नहीं बताएगा। इस गांव की विशेषता अंदाजा सा 15,000 प्लस वोट हैं और 18,000 वोटिंग हो जावे है। गजब बात है भाई, 15,000 कुछ वोट हैं यहाँ पे एग्जैक्ट, और जो पोलिंग हो में कई बार 18,000 भी हो जावे है। बड़ी ज़बरदस्त विशेषता है यहाँ पे, और लोगों को जो जिन लोगों ने यहाँ पे राजकुमार सैनी जी को जिताया था, राजकुमार सैनी जी यहाँ पे एक बार भी नहीं आए, ना वोट मांगने आए, ना धन्यवाद करने आए, ना किसी और काम के रिगार्डिंग आए। तो अब राजकुमार सैनी जी यहाँ के प्रति लोगों की क्या भावना है वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल जो मेरा एक क्वेश्चन है वो हम यहाँ से पूछ लेते हैं। यह एक चक्की प्लस तेल ताल गार्डन की दुकान है, पूछ लेवा। राम राम भाई जी। राम राम जी। भाई जी कौन सी पार्टी जिता रहे हो आप? बीजेपी को जी। बीजेपी को? कोई कंडीशन? कोई कंडीशन नहीं। कोई कंडीशन नहीं। राम राम जी। राम राम। कौन सी पार्टी ने जिताओ जी? बीजेपी को जिता रहे हैं जी, नरेंद्र मोदी को केवल ओनली बस। नरेंद्र मोदी? हाँ हाँ, किसी को नरेंद्र मोदी भेज दे उसी को ही जिता के भेज देंगे उसको। हाँ जी हाँ, बीजेपी ने भाई। बीजेपी ने? अच्छा भाई जी, कौन सी पार्टी? बीजेपी, नरेंद्र मोदी ओनली। नरेंद्र मोदी ओनली। ओके। तो जी अब आगे चलेंगे भाई,
यह वीडियो कितनी देर की होगी, 10 मिनट की होगी, इसको स्टॉप कर लेते हैं। और बाकी छोरी ने बहुत मेहनत करी है भाई, चलो ये छोरी के लिए आगे चलेंगे। और कितनी यहाँ भीड़ सी होगी, जहाँ पे लेडीज ज़्यादा होगी वहाँ यहाँ बतला लेगी, और जिस जेंट्स होंगे भाई मैं बतला लूँगा, हैं इसने भी काम आ जाएगा, मैंने भी थोड़ा सा लगा रहा होगा भाई। हाँ चलो धन्यवाद, जय हिंद भाई।